भारत में रंगारंग त्योहारों के बीच होली रंगों, खुशी और बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में खड़ी है। होली की उत्पत्ति एक दिलचस्प कहानी बुनती है। आइए होलिका और प्रहलाद की कहानी में गहराई से उतरें। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद ने अपने दुष्ट पिता राजा हिरण्यकश्यप की पूजा करने से इनकार कर दिया। राजा की बहन होलिका ने प्रहलाद को एक जादुई वस्त्र से सुरक्षित आग में फेंकने की कोशिश की। हालांकि वस्त्र खिसक गया, जिसमें प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। होलिका का जलना बुराई के विनाश का प्रतीक है और होली अच्छाई की जीत का जश्न मनाती है। से कुछ हफ्ते पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाजार जीवंत रंगों से भर जाते हैं। लाल प्यार और जश्न के लिए, हरा नई शुरुआत के लिए और नीला कृष्ण के ब्रह्मांडी नृत्य के लिए। बालक को बाहर के मौसम की अनुभूति कराना ही एक परंपरा है। तो आज मान्यताओं के अनुसार ठाकुर जी बगीचे में विराजमान हुए हैं और बगीचे विराजमान होकर होली खेल रहे हैं। ये क्रम आज है, क्योंकि ब्रज की जहाँ बात कर रहे हैं तो सब जग होरी या ब्रज होरा। होरा से मेरा तात्पर्य है कि बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ हुआ कार्यक्रम, जिसमें आप देखते हैं नंदगाम है, बरसाना है, गोकुल है, वृंदावन है, बिहारी जी है। हमारे यहाँ ठाकुर जी कुंज में विराजमान होकर होली खेले। हमारे यहाँ ठाकुर जी होलिका अष्टक लगे तब सोने चांदी की पिचकारी से होली खेले। आज जो आप देख रहे हैं वो बगीचा है। 25 तारीख को ढोल महोत्सव होगा और प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक ठाकुर जी को रसिया सुनाए जाते हैं और ठाकुर जी होली खेलते हैं। घरों की साफ सफाई होती है। होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन अलाव जलाया जाता है, जो नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है। गुजिया और ठंडाई जैसे पारंपरिक मिठाइयां बनती हैं, जो त्योहारों में मिठास घोलती हैं। जैसे ही भोर होती है, हवा उत्साह से भर जाती है। युवा और बूढ़े सफेद कपड़े पहने हुए रूपांतरित होने के लिए तैयार हैं। संकोट मिट जाते हैं, हवा में हंसी गूंजती है, क्योंकि जीवंत रंग सभी को एक ही रंग में रंग देते हैं। अजनबी दोस्त बन जाते हैं और इस तरह हमारे देश में होली का त्योहार मनाया जाता है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।